आया हूँ मेरे YouTube चैनल का स्वागत है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसी रेसिपी जो सावन के महीने में हर घर में बनती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चावलों की खीर। खीर बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 लीटर दूध लिया है, मैं इसको फुल पे पहले रखूंगी, इसको बॉईल करूंगी, उसके बाद फिर इस पे चावल ऐड करेंगे। जैसे ही दूध बॉईल होने लगेगा तो मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। चावलों को मैंने अच्छे से धो लिया। चावल मैंने ये वाली कटोरी आधी ली है, मतलब तकरीबन एक मुट्ठी भर के चावल हो गया समझ लो। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मैंने सारे चावल ऐड कर दिए हैं इसमें। मैंने उनको आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था चावलों को ना। अब मैं इसको साथ साथ में बॉईल आ रहा है जैसे इनको पकाऊंगी फुल पे ही। अभी इसको कड़छी मारते रहना है क्योंकि नीचे ना लग जाए ना खीर। पाँच मिनट हो गए हैं मेरे को इसको फुल पे रखे। अब मैं इसको 10-15 मिनट सिम पे रखूंगी, फ्लेम इसका लो कर दूंगी ताकि जो चावल हैं अच्छे से फूल जाएं। और हमें सावन में खीर जरूर बनानी चाहिए। सावन में खीर बनाना मतलब कहते हैं ना, सावन में खीर ना खा दिया ते क्यों जमिया अपराधिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें सावन में खीर जरूर खानी चाहिए। अब मैं इसको गैस को फुल कर लूंगी क्योंकि मेरे को 10-15 मिनट हो गए हैं इसको लो फ्लेम पे रखे हुए, चावल भी अच्छे से फूल गए हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर फुल पे ही पकाऊंगी। मैं अब किशमिश इसमें पहले ही ऐड कर दूंगी क्योंकि ये ना फिर थोड़ी फूल जाएगी किशमिश, और बाकी ड्राई फ्रूट मैं बाद में ऐड करूंगी। और इलायची पाउडर भी मैं अभी डाल दूंगी। सावन ही तो होता है, सावन में हम खीर बनाते हैं, सावन में हम मालपूड़े जरूर बनाते हैं, कहते हैं सावन में मालपूड़े भी जरूर खाने चाहिए। अब 10 मिनट हो गए थे मेरे को इसको फुल पे रखे, अब मैंने इसका फ्लेम लो कर दिया। अब मैं इसमें काजू और बादाम ऐड कर दूंगी। इसी के साथ मैं अब चीनी भी ऐड कर दूंगी। 5 चम्मच से चीनी ली है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीनी का मेजरमेंट ले सकते हैं। कम खाते हो तो कम कर लो, ज्यादा खाते हो तो ज्यादा कर लो, अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। खीर को ठंडा करके खाओ, मज़ा आ जाता है, एकदम ठंडी ठंडी खीर अच्छी लगती है। इसके साथ मालपूड़े हों तो और भी मज़ा आ जाता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो वैसे भी मालपूड़े की लेके आ रही हूँ। अब मैंने गैस फुल पे कर दिया क्योंकि चीनी डाली है ना। अब मैं इसको हिलाती जाऊँगी, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये
नीचे लग जाएगी खीर ना, फिर वो टेस्ट नहीं अच्छा आएगा अगर हल्की सी भी नीचे लग गई तो। खीर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए क्योंकि तो थोड़ी थिक ही अच्छी लगती है खीर। अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ। अब ये बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको ठंडा होना रखेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अरे ये मैंने खीर बनाई है, टेस्ट करके बता कैसी बनी है। बहुत अच्छी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके।